आज सुबह उठकर मैंने की अपने छत में सोचकर चौंक गई थी, इतना सारा कचरा मेरे छत पर कैसे जमा हो गया। इसके वजह से मेरे पैर में चोट भी लग गई। फिर मैं चली गई अपने लिए एक बैग खरीदने के लिए। नई यात्रा की जो शुरुआत करनी है, मैं ये वाला बैग लेने वाली हूँ जो कि पूरे 5,000 का है। ये बैग की सिर्फ एक ही पीस बची थी जो मैंने अभी ले ली है। देखो, मेरे पूरे लाइफ में मैंने कभी इतनी महंगी बैग नहीं खरीदी होगी जो मैंने अभी अपने यात्रा के लिए खरीदी है। उसके साथ मैंने और थोड़ी बहुत चीजें भी खरीद ली। टोटल बिल घर आते ही मैंने अपनी सब्जियों को प्यार किया और फिर मैंने अपने घर की सफाई करना शुरू कर दी। सारा कचरा जो छत से निकाला हुआ था आज सुबह, वो सब साफ किया और ये देखो इतना सारा कचरा जमा हो गया मेरे गली के पास। और ये मेरे पौधों पर भी थोड़े थोड़े कचरे आ गए। ये क्या है? अरे यार, ये देखो, ये लोग ये सारी चीज़ें भी डालते हैं। मतलब क्या बताएं यार। देखो, ये सारी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए यार किसी के छत पे, या फिर ओपनली कहीं पे भी आप ऐसे मेडिकल की जो भी चीज़ें हैं ना, मेडिकल जो डिस्कार्ड करना होता है उसको डिस्पोज सही से करो। ऐसे किसी के छत पे या कहीं पे भी डालो मत। ये देखो कितना सारा कचरा मैं निकाल रही हूँ अपने हाथों से, और यही हाथों से मैं खाना भी खाती हूँ। मुझे काफ़ी गंदा लग रहा था। अगर मैं यह सफाई नहीं करती तो मेरी मम्मी करती। इसके लिए मैंने ही किया पूरा सफाई। कल सुबह मेरी मम्मी भी आने वाली है तो मुझे इसके लिए जल्दी जल्दी सब सफाई करना था। ये देखो, उनके खाए हुए कुछ पॉलीथिन भी डाले हुए हैं उन्होंने। कितना गंदा लग रहा था यार, इससे बहुत बदबू आ रही थी। मैंने स्नान किया। स्नान करने के बाद मैं थोड़ा बहुत मेकअप करने लग गई जो मैं नॉर्मली करती हूँ। टीका लगाती हूँ, विभूति लगाती हूँ, वो सब कर लिया। उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था आज, क्योंकि मैंने आज बहुत काम किया है। मैंने पूरी घर की सफाई की है और प्लस एडिटिंग भी किया है मैंने, और मैंने अपनी बैग भी पैक कर ली है अपने आगे की यात्रा के लिए। विभूति खुली नहीं रही थी यार, खुल गई। चलो अभी तो लगा लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे रहना। ये देखो, मैंने अपनी बैग भी पैक कर ली। ये देखो, इस माला को मैं जपते जपते जाऊँगी। बाय बाय। रुको रुको, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं तो मार्केट जा रही हूँ। आ जाओ आपको भी ले चलती हूँ। यहाँ से मैंने खरीदे थोड़े मैट और फिर मैं टुन बाहर निकल गई, यहाँ पे आ गई हूँ। ये देखो, यहाँ पे कितने सारे बैग लगे हुए हैं 200 के, और यहाँ पे कुछ खाने का ठेला भी लगा हुआ है, पर मैं बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ। बाथरूम का सामान लेने के लिए मैं यहाँ पे आ गई। मुझे लेना था ब्लीच, तो मैं ये अंकल को कह रही हूँ ब्लीच दे दो। अंकल ब्लीच है क्या बाथरूम वाला? यार यहाँ पे देखो ना, हैंड वॉश कैसे रखे हुए हैं। हैंड वॉश, कम्फर्ट, एक्सल, ऐसे अलग अलग मतलब पॉकेट में भरे हुए हैं। ये देखो, मेरे को मिल गया अपना ब्लीच। चलो घर। शाम के इतने शोर में, ट्रैफिक में, ये डॉगी देखो कितने प्यार से सोया हुआ है ये आंटी के बगल में। रास्ते की टपरी वाली चाय कैसे भूल सकती हूँ। घर जाने से पहले मैंने एक चुस्की लगा ली। हमारे फॉरेन मिनिस्टर का स्पीच देखते देखते मैं देखो चाय पी रही हूँ। मज़ा आ रहा था मेरे को तो। अकेले में मैं ऐसे ही वाइब करती हूँ, अकेले ही चाय पीने निकल जाती हूँ कभी भी। इस वक्त में अचानक से मेरे पैर में मुझे दर्द होने लग गया। मैं घर जाकर देखी तो मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, फिर मेरा जूता पूरा खून से भीगा हुआ था। मैंने अपना पैर साफ किया तो देखा मेरे पैर में चोट लगी है, और जो मैं सफाई कर रही थी ना उसमें कोई कांच की बोतल भी टूटी हुई थी, शायद बियर की बोतल होगी, वही मेरे पैर में छुप गई थी। मैं मरहम पट्टी करके मैं निकल रही हूँ मम्मी को लेने के लिए। सुबह हो गई है। ये देखो मेरी मम्मी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ कल, और अपना ख्याल रखो।